सुननी है। हुँ? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, पुरानी तरकीब, अगर ऐसा किया तो मैं चुप रहूंगी। यहाँ से जाओ पप्पू, मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने घर जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या तुम इस तरह खुश रहोगी? ठीक है, मैं चलता हूँ, अलविदा। पप्पू बंद करो। फिर तुम कहानी सुनाओ ना। मैं तुम्हें मगड़ू की कहानी सुनाती हूँ। वो तुम्हारी तरह ही शैतान था। एक दिन केला ही मैं खाता हूँ, खाके सबकी बजाता हूँ, मीठा केला खाता हूँ, खाके मस्त हो जाता हूँ। लाला ला 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 ला। मेरे पाँव करे थिरक थिरक जब केला लू मैं निगल निगल, इससे बढ़िया कुछ और है क्या, चलो करे उथल पुथल। लाला ला 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 ला। ओ वीरू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ओ धीरू भैया, इस मगड़ू ने बड़ा उधम मचा रखा है। वो मुझसे 10 केले लिया करता था। मगड़ू मगड़ू, रोको रोको अपने आप को, रोको मगड़ू रोको। नहीं मगड़ू, मैं तुम्हारी शरारतों से तंग आ चुका हूँ। हमें अब एक फैसले पे आना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम केला खाना बंद तो नहीं करोगे, इसलिए क्यों ना ऐसा किया जाए। मैं हर दिन तुम्हें दूंगा केले 10। इन शैतानियों को कर दो तुम बस। आज के आगे मानोगे मेरी बात, 10 केले लेकर खुश रहोगे तुम दिन रात, केवल 10। ठीक है यार, ठीक ही लग रहा है, रख देना 10 केले, आता हूँ लेने के लिए। क्यों ना मैं और मांग लूं, ये वैसे भी मुझसे डरा हुआ है, जरूर देगा ही। मुझे लगता है मुझे 20 चाहिए, नाम मिले तो मन करता है धूम मचाइए। मुझे लगता है मुझको 20 चाहिए, नाम मिले तो मन करता है कि धूम मचाइए। और वो इसी प्रकार हफ्ते दर हफ्ते अपनी मांग बढ़ाता चला गया और अब वो मांग रहा है 100। अगर मैं उसे 100 केले दूंगा तो मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा? बस इतनी सी बात पे इतना सारा दुख, कल देख लेता हूँ उस बंदर को, आने दे उसे। तुम मुझे अपनी पतलून और कमीज दे दो और अपनी टोपी भी दे दो, वो कल काम आ सकती है। अच्छा अब मैं कुछ तैयारी कर लेता हूँ। कहाँ है मेरे 100 केले? ओ मगड़ू तुम आ गए, वहाँ है तुम्हारे 100 केले, बहुत भारी थे, मैं उन्हें उठा नहीं सका, तुम ही उठा लो उन्हें। ये कीना अच्छी बात, धन्यवाद। अब मैं तुझे लेके जाता हूँ चिड़ियाघर, वहाँ आराम से रहना और जितना मन चाहे उतने केले खाना। कौन हो तुम? मैं हूँ वीरू का भाई धीरू, और वहाँ है वीरू। हाय। मुझे धोखा हुआ है। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लालच बहुत बुरी बला है, तुम भी इसके शिकार बन सकते हो, इसलिए सावधान।